हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार्पेट्स। एंड कैसे आप सब लोग। तो गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है, ये ट्यूटोरियल वीडियो होने वाला है। इस चैनल में आपको कार रिव्यूज, कार फैक्ट्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बट आज हमने सोचा स्पेसिफिकली हम जो न्यू ड्राइवर्स हैं उनके लिए एक वीडियो शूट करें, और जो उनकी क्वेरीज रहती है बेसिकली, जो उनकी लेग पोजिशनिंग को लेके कि किस तरह से लेग पोजिशनिंग होनी चाहिए और कैसे उनको क्लच एंड एक्सेलेटर एंड ब्रेक का यूज करना है, हमने सोचा वो इस वीडियो में कवर करें ताकि उन लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके। तो आज हम इस वीडियो में यही कवर करेंगे कि किस तरह से आपकी लैग पोजीशनिंग होनी चाहिए और किस तरह से आपको क्लच एक्सेलेटर एंड ब्रेक का यूज करना है। तो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं एंड देखते हैं। सो गाइस, आई होप इन सब पैडल से आप फैमिलियर होंगे, और इनको हम कार की ABC बोलते हैं। ये आपका एक्सेलेटर है, ये ब्रेक है, एंड दिस इज योर क्लच। तो हमेशा मैंने देखा है न्यू ड्राइवर्स को ये क्वेरीज रहती है कि हमें किस तरह से लैग की पोजीशनिंग होनी चाहिए वाइल्ड ड्राइविंग और कैसे हमें इसको ऑपरेट करना चाहिए। तो गाइस, जो आपका ये लेफ्ट लैग होता है ये आपके सिर्फ क्लच के लिए होता है, आपको इससे सिर्फ क्लच का यूज करना है। ये लेफ्ट लैग आपका ब्रेक और एक्सीलरेटर के काम नहीं आएगा, आपको इससे सिर्फ क्लच का यूज करना है। और वहीं जो आपका राइट लेग होगा ये आपका एक्सीलरेटर और ब्रेक पे जाएगा। तो गाइस, मैंने देखा है कि नॉर्मली जो जब भी नए ड्राइवर्स होते हैं वो क्लच यूज करते समय एक बहुत ही मिस्टेक करते हैं, वो क्लच को जल्दी रिलीज कर देते हैं। जल्दी रिलीज करने से क्या होता है, आपकी गाड़ी अचानक बंद हो जाती है या आपकी गाड़ी जर्क खा के बंद हो जाती है। तो क्लच पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली आपको एक्सीलेटर और ब्रेक का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई केसेस देखा गया है जब पैनिक सिचुएशंस में ड्राइवर मिस्टेक कर देते हैं और वो एक्सेलेटर की जगह ब्रेक प्रेस कर देते हैं, और जहां पे ब्रेक प्रेस करनी होती है वहां वो एक्सेलेटर ब्रेक प्रेस कर देते हैं। तो हमें यार इन दोनों चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल थिंग है यार। अगर आपको इस पे ज्यादा कंट्रोल नहीं होगा तो किसी भी पैनिक सिचुएशन में आप एक बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। तो इस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो नए ड्राइवर्स को मैं हमेशा ये एडवाइस करूंगा, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो आपको पहले अपना इस पे कंट्रोल बिठाना है, आपको एक्सीलेटर और ब्रेक, बिकॉज ये आपका एक ही लेग की मूवमेंट है दोनों जगह। क्लच में आप एक ही लेग यूज कर रहे हो और उसी को रिलीज कर रहे हो, इसमें क्लच हमेशा आप लेफ्ट लेग से ही यूज करते हो, तो इसमें आपकी जो लेफ्ट लेग है वो एक ही पैडल को यूज कर रहा है, बट यहाँ पे आपका राइट लेग दोनों पैडल को यूज करता है। तो इस राइट लेग पे आपका कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, जो भी नए ड्राइवर्स हूं, जब भी आप कार चलाना सीखो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करनी है, आपका क्लच रिलीज करना है, एक्सीलेटर देना है, फिर ब्रेक लगा देना है। ये तीनों एक्सरसाइज आपको करनी है। गाड़ी स्टार्ट करी, क्लच रिलीज किया, धीरे धीरे आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी, हल्का सा एक्सेलेट किया और फिर ब्रेक प्रेस कर दिया। ये मैं मूवमेंट आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके लेग को इस चीज की हैबिट पड़ जाए कि उसको कैसे यूज करना है, उसको कब एक्सेलेरेट करना है और कब ब्रेक यूज करना है। अगर आपके लेग को इस चीज की हैबिट पड़ जाएगी तो किसी भी सिचुएशन में आप उस चीज को अच्छी तरह से हैंडल कर पाओगे। अगर आपको लग रहा है कि आगे आपको कोई भी इमरजेंसी आ गई और आपको ब्रेक लगानी पड़ रही है, तो आपके लेग को इस चीज की हैबिट रहेगी और आपका पांव अपने आप ब्रेक पे आ जाएगा। तो ये कंफ्यूजन नहीं रहेगी ऐसी सिचुएशंस में कि आपने ब्रेक जमाने की जगह एक्सीलेटर की प्रेस कर दिया। तो ये बहुत ही ज्यादा लाइक डेंजरस सिचुएशन है गाइस, इस बात को समझो कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है उस केस में जब हमारे को हम पैनिक सिचुएशन में हम रिएक्ट नहीं कर पाते ढंग से, और कई बार हम मिस्टेक से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर ही प्रेस कर देते हैं। तो ये सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकती है। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें इस चीज की इतनी एक्सरसाइज करनी है ताकि हमारे लेग को ये हैबिट पड़ जाए कि कब किस सिचुएशन में उसको ब्रेक प्रेस करनी है और किस सिचुएशन में उसको एक्सेलेटर देना है। तो इस चीज की आपको एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करके आपको क्लच प्रेस करके क्लच को रिलीज करना है, देन जब आपकी गाड़ी मूवमेंट होने लग जाएगी हल्का सा आपको रेस दे के फिर ब्रेक प्रेस करना है। इससे क्या होगा, आपके इस लेग को ये हैबिट रहेगी कि उसको किस सिचुएशन पे एक्सेलेटर पे जाना है और किस सिचुएशन पे ब्रेक पे जाना है। बात करते हैं गाइस क्लच की। तो गाइस, जब भी आप क्लच का यूज करो तो इस बात को मेक श्योर करो कि आपकी जो हील है वो ग्राउंड पे टच रहनी चाहिए। जैसे जैसे आप उसको स्लोली स्लोली रिलीज करोगे, जैसे जैसे आपकी कार मूवमेंट हो जाएगी, मूवमेंट होने लगेगी, जैसे आपके कार पे फुल मूवमेंट आ जाएगा तब आप अपने फुल फीट को रिलैक्स रेस्ट दे सकते हो और तब अपना आप फीट हटा सकते हो। अदरवाइज जब भी आप क्लच रिलीज करो तो मेक श्योर कि जब आपका पाँव
जो आपकी हील है वो ग्राउंड से टच हो, बिकॉज अगर आपको दोबारा क्लच प्रेस करना पड़े तो आप उसको इजिली कर पाओ। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको इस पोजीशन पे आके नहीं रिलीज करना है। अगर आप ऐसे यूज करोगे क्लच तो हो सकता है आप जल्दी रिलीज कर जाओ और आपकी गाड़ी जग खा के रुक जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप अपना क्लच रिलीज करें तो आपका हील जो है वो ग्राउंडेड रहे, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी गाड़ी मूवमेंट होती रहेगी वैसे वैसे आपको अपना क्लच रिलीज करना है, और जैसे ही आपकी गाड़ी पूरी मूवमेंट में आ जाएगी वैसे ही आप अपना पांव क्लच से हटा सकते हो। कई ड्राइवर्स देखे हैं मैंने जो क्लच पे पांव रख के ही गाड़ी चलाते हैं। गाइज ऐसा मत कीजिए, ये अच्छी हैबिट नहीं है, इससे आपके क्लच प्लेट पे जोर पड़ता है और आपकी क्लच प्लेट जल्दी खराब हो सकती है। तो हैबिट बनाइए, जब आपका क्लच यूज में नहीं है तब आप अपने क्लच से पांव हटा सकते हैं। कई गाड़ियों में इसके लिए डेड पेडल दिया जाता है ताकि आप अपने फुट को यहाँ पे रेस्ट करा सके। अदरवाइज कभी भी क्लच को पे पांव रख के गाड़ी ना ड्राइव करें, ये बिकॉज एक हैबिट पड़ जाती है और इससे आपके क्लच प्लेट पे भी बहुत जोर पड़ता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपकी कोई और क्वेरीज और कंसर्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। विल होप आपकी सारी क्वेरीज को हम रिजॉल्व करेंगे, और आपकी अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक में मैं वीडियो कवर करूं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, हम उस और टॉपिक पे भी वीडियो कवर करेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।